Students, now in previous video we have started our 7th chapter adverbs. Now today we will do the position of adverbs. Now the first point is the correct placement of adverb is important. An adverb is never placed between the verb and the object. कि जो एडवर्ब होता है उसका जो प्लेसमेंट होता है करेक्ट प्लेसमेंट वो बहुत ज़रूरी है कि हमें उसे कहाँ लगाना चाहिए. तो एक एडवर्ब जो होता है वो कभी भी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लगता. हियर एग्जाम्पल, शी एट द फूड स्लोली. दिस वन इज़ द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब. शी एट स्लोली द फूड. तो यहाँ वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी जो एडवर्ब है वो नहीं होता. सेकेंड पॉइंट, एडवर्ब ऑफ मैनर आर मोस्टली प्लेस्ड आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब्स. कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो मोस्टली जो होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद यूज होता है. हियर एग्जाम्पल, मीता इज स्लीपिंग साउंडली. थर्ड पॉइंट, एडवर्ब ऑफ मैनर that qualify transitive verbs are placed after the object or before the verb. Adverb of manner जो होता है जो qualify करता है transitive verb को उसे place करते हैं object के पहले after the object, object के बाद और before the verb, verb के पहले. Here example, they are reading the lesson loudly. They are loudly reading the lesson. Next, adverb of manner can also be used at the beginning of the sentence. Adverb of manner जो होता है वो sentence की beginning में भी use किया जाता है. Example, loudly they are reading the lesson. Next point, adverb of manner is placed in between the auxiliary verb and the main verb. जो adverb of manner होता है वो auxiliary verb और main verb के बीच में भी use किया जाता है. Here auxiliary verb and main verb. Like, he must read quickly and finish this work. Next point, adverb of place and adverbs of time are usually placed at the end of sentences. Adverb of place और जो adverb of time होता है वो हमेशा sentence के end में use किया जाता है. Like, the girl is singing outside, my father is leaving for London tomorrow. Next, the adverb of time can be placed between the auxiliary verb and the main verb. एडवर्ब ऑफ जो टाइम होता है उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में भी यूज करते हैं. लाइक, द बस विल सून लीव फॉर जयपुर. हियर विल इज ऑक्सिलरी वर्ब एंड लीव इज मेन वर्ब एंड वी यूज एडवर्ब हियर, एडवर्ब ऑफ टाइम सून. नेक्स्ट इज, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब. जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो यूजुअली जो होता है वो मेन वर्ब के पहले यूज होता है and after any auxiliary verb or किसी भी auxiliary verb के बाद. Here example, Mr. Danzopa always helps us. यहाँ main verb के पहले use हुआ है. Saira has never met her stepfather. Here has and met, this one is auxiliary verb and this one is main verb, and never is adverb of frequency. Next is, adverb of frequency can also be placed at the beginning and at the end of sentence. Beginning में भी use किया जा सकता है और end में भी. Like, always obey elders, he calls on us sometimes. Adverb of degree come immediately before the words they qualify. Adverb of जो degree होता है students, वो तुरंत ही जो verb जिसे वो qualify कर रहा है उसके आगे लगाना चाहिए. Like, he spoke rather fast. Here students, the rules of degrees of comparison of adverbs are similar to the rules of degree of comparison of adjective.
जो रूल्स होते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन के एडवर्ब के, वो सेम होते हैं जैसा कि हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स किया, सेम उसी के जैसे। हियर एडवर्ब्स हैव थ्री डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब्स की भी थ्री डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव। एग्जाम्पल हियर, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव, लाइक अर्ली, अर्लियर, अर्लीएस्ट, लो, लोअर, लोएस्ट, स्लोली, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली, जेंटली, मोर जेंटली, मोस्ट जेंटली। हियर सम इररेगुलर फॉर्म्स आर एज फॉलोज, लाइक वेल, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट। हियर लिटिल, लेस, लीस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट अवर एडवर्ब्स, कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब। सो यू हैव टू फिल ऑल द एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ दीज़।